there's something magical, cause no one else seems. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, सारे भाई फिट होंगे। तो भाई, जैसे कि आप चेक कर सकते हो, ये अपने इग्निस है और इग्निस के अंदर अपने प्रोजेक्टर के लाइटें तो जल रही हैं, पर ये जो HID है उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है। अब मज़े की बात भी नहीं है, देखो कुछ चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं। सबसे मेन बात, ये HID की जो लाइटें हैं वो मैं आपको कहूँ ठीक है, एवरेज लाइट मुझे दे रही हैं, पर मेरा बहुत टाइम से मन था कि यार देखो, प्रोजेक्टर हमने इतने अच्छे लगा लिए तो इसके अंदर हमको HID भी अपग्रेड करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले हैं ओसराम की HID, और जो लाइट्स है ना भाई, उसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया उसका आउटपुट आने वाला है। प्लस ब्रांडेड चीज़ें, तो आप समझ सकते हो कि ब्रांडेड चीज़ बहुत ही बढ़िया काम करती है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। दूसरी बात, ये जो HID लाइट्स लगी हुई हैं, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर लगी हुई है। अब जब हम इसमें HID चेंज करेंगे तो वो जो सेटअप होगा जो वहाँ से ओसराम से आता, और उस एडिशन में क्या है कि फिक्स कुछ पैरामीटर्स हैं, उसी पैरामीटर्स के अंदर वो लाइट थ्रो करता है। जब इसका इंस्टॉलेशन करवाया था कि जो प्रोजेक्टर का आगे थ्रो जाए वो ऊपर ना जाए, वो थोड़ा नीचे ही रहे, ये आप हमारी वीडियोज़ में भी चेकआउट कर सकते हो। पहले मुझे लग रहा था कि शायद से गलत हो गया, बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि गलत नहीं हुआ है। मेरे को अच्छी खासी मेरी ग्राउंड की विजिबिलिटी मिल जाती है, ये नहीं कि सामने जो सामने से कोई भी गाड़ी आ रही है उसको दिक्कत करे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हम अपनी गाड़ी में इस HID किट को इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि हमको ओसराम की तरफ से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम इसकी मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो भाई, ये 35 वाट की आपकी HID है और ये 6000 केल्विन की है। उसके बाद जैसे कि बहुत से लोग रहेगा कि भाई यार देखो, उनकी मिल रही है शायद से इसकी रोशनी कलर या फिर जो 35 वॉट इसमें लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये उतनी अच्छी HID ना हो। बट मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये HID सिर्फ ऊपर मेन काम आएगी, और नीचे से जो फॉग लैम्प्स हैं वो हम अच्छे वाले लगाएंगे, जिससे हमारा नीचे का काफ़ी अच्छी अपेयरेंस आ जाएगी। प्लस एक चीज़ और है भाई, देखो अगर आप मार्केट में जाते हो, आपको लोकल HID किट बहुत मिल जाती है, प्लस उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं कि वो इतनी केल्विन की है या फिर वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है। बट ये वाली ओसराम की आप समझ सकते हैं ब्रांडेड चीज़ है। जैसे कि आपको बताओ, मैंने ओसराम की LED में इंस्टॉल करी थी अपनी गाड़ी में, उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़िया था, तो सेम इसके साथ भी वही चीज़ है। अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग जो लिखी गई है 9600 रुपीज़ इसकी प्रिंटेड प्राइस है, बट इतने में नहीं, आपको 7000 के आसपास देने को मिल जाएगी ऑनलाइन, या अगर आपको लोकल स्टोर में और सस्ती मिली तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले HID को खोल लेते हैं। सबसे पहले हमको इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल गाइड मिल जाती है कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या करना है। तो भाई, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख लोगे अच्छे से तो आप इसको आराम से अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो। और एक चीज़ आपको मैं पहले बोल दूं भाई, ये जो है ये कन्वर्जन किट नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इसमें H4 to HID कन्वर्जन किट नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको मेन वायरिंग मिलेगी, जो HID की वायरिंग होगी, यानी कि ब्लास्टर और HID की, दो की वायरिंग रहेगी, बस खत्म। तो अगर कन्वर्जन किट लेना है तो आप अलग से ले सकते हो, बट इसमें कन्वर्जन किट इंक्लूडेड नहीं है। अब सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके मेन HID बल्ब दे दिए गए हैं। मैं भी आपको बल्ब खोल के भी दिखा दूंगा, फिलहाल आपको ऐसे दिखा रहा हूँ ऊपर से, ये इसके HID बल्ब्स हैं। ये अच्छे से पैक करे जाते हैं, इसको भी रखते हैं साइड में। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसके कपलर को बहुत ध्यान से इंस्टॉल करना पड़ता है, वरना फिर ये HID नहीं चलती है और हमको लगता है कि HID बल्ब खराब है। इसको रखते हैं आगे। अब मेन इसके ब्लास्टर पर जाते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके सारे जो ब्लास्टर हैं वो देखने को मिल जाएंगे आपको। ये हमारा मेन ब्लास्टर रहेगा, और ये जो हमारे ब्लास्टर हैं, एक हमारा जो कन्वर्जन किट से, यानी कि जो गाड़ी की तरफ से वायरिंग आएगी उसमें लगेगा, और जो दूसरी वायर जा रही है ये हमारी HID में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये दो हमारे इसमें कनेक्टर्स रहेंगे, ये मैं आपको पूरा फिट करके दिखाऊंगा, बाकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ टफ इंस्टॉलेशन है नहीं, अब फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसमें आप ये पीछे चेक कर सकते हैं, इसका मॉडल नंबर सब कुछ लिखा गया है, जो इसको एक थोड़ा यूनिक लुक भी देता है। प्लस मेन चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन है तो लंबा चलने की हम कह सकते हैं। ऐसा होता है ना, HID बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, बट अगर आप एक बार ब्रांडेड में इन्वेस्ट करोगे ना तो फिर आपकी HID काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी। तो फटाफट से इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, और आपको बल्ब भी दिखा दूंगा जब मैं इंस्टॉल करूंगा। जो पुराना वाला मिला है, मतलब जो हमारी इस गाड़ी में लगा हुआ है HID किट, उस किट का बल्ब और इस किट का बल्ब, दोनों का बल्ब दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बल्ब की वायरिंग थोड़ा बता देता हूँ कैसे इसकी वायरिंग करनी है। जैसे आप उसमें देखते हैं, बहुत सारी वायरिंग निकली हुई है, बट इसमें से सब वायरिंग नहीं करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जो ये हमारे ये दिख रहे हैं ना आपको एक्स्ट्रा, इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, और इनको हम खींचेंगे तो निकल जाए। इसको मैं पुल आउट कर देता हूँ आपको, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, बहुत सिंपल वायरिंग हो चुकी है, क्योंकि इससे मैंने दो एक्स्ट्रा जो थे वो हटा दिए हैं। अब सिर्फ हमारा एक ये कनेक्टर और एक ये कनेक्टर लगेगा, बाकी ये वाला कनेक्टर जो था एक्स्ट्रा ये हट जाएगा हमारा, इसका भी हम इंस्टॉलेशन नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी गाड़ी में HID किट ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो बस इतना सा काम था, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम सीधे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये इसका कवर होता है, इस कवर को आप निकाल लीजिएगा आराम से, कवर निकल जाता है, और वायरिंग इसकी बहुत ही सिंपल है। तो बल्ब को रिमूव करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसका डस्ट कवर रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये हमने इसका डस्ट कवर निकाल दिया है। उसके बाद अंदर ये लॉक लगा होता है, ये लॉक हम यहाँ से पूरा अच्छे से खोल लेंगे। ठीक है, ये हमारी इसकी जो पिन थी वो पिन हमने निकाल ली है,
अब हम अपने बल्ब को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा बल्ब निकल चुका है, अभी ये गर्म हो रहा है क्योंकि लाइट हमने थोड़ी देर के लिए ऑन करी थी, तो अभी ये गर्म हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। कोई नहीं, इसको आराम आराम से निकाल लेते हैं हम, और फिर मैं आपको एक बार जो ओसराम की HID बल्ब है वो दिखा दूंगा और फिर ये वाला बल्ब भी दिखा दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पुराना वाला ब्लास्टर है और इसको अब हम निकाल देंगे, और इसको निकालना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसका एक जो ये मेन कनेक्टर है इसे हम रिमूव कर लेंगे। ये हमारा मेन कनेक्टर रिमूव हो चुका है। अब जो वायरिंग हमारी HID में गई, यानी कि जो हमारे बल्ब में वायरिंग गई है, उस वायरिंग को हम हटा लेंगे यहाँ से। यहाँ पे ये हमारा ब्लास्टर जो है अच्छे से हमने रिमूव कर लिया, जो हमें पुराना वाला ब्लास्टर मिला था इसके साथ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी ओसराम के HID लाइट्स हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, इसका बल्ब ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको दूसरा जो हमारी पुरानी वाली HID लगी थी वो दिखा देता हूँ, तो वो कुछ ऐसी है दोस्तों। सेम हमने इधर भी अपने ओसराम के सब कनेक्शन कम्प्लीट कर लिए हैं। इस तरह ये ब्लास्टर हो गया, इसके साथ हमारे जो दूसरे अलग ब्लास्टर हैं वो भी हमने रख दिए। अब हम इसको जिप टाई की हेल्प से उसको कवर करके यहाँ पर फिट कर देंगे जैसे हमने पहले करा हुआ था, और हमारी जो HID है वो भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दी। मैं आपको एक बार जला के दिखा देता हूँ दोनों HID, फिर आपको रात में भी रिस्पांस दिखा दूंगा कि रात में इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो, आपको इसमें फर्क भी दिख रहा होगा, मुझे भी फर्क दिख रहा है। हालांकि HID अभी गर्म होगी तब जाके इसका और अच्छा थ्रो आएगा। और सेम इस साइड से भी, साइड थोड़ा गंदी हो रही है लाइट। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी HIDs को टेस्ट करते हैं कैसा उसका रिस्पांस आ रहा है। सबसे पहले फॉग लैम्प ऑन होंगे हमारे, और अब हम फॉग लैम्प को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमारे फॉग लैम्प ऑफ हो चुके हैं, तो अब हमारी सिर्फ HID ऑन होगी, और HID को मैं अपनी हाई बीम पे ऑन करूँगा। ये हमारी HID का रिस्पॉन्स है, ठीक है। इतनी हमको ब्राइटनेस सामने देखने मिल जाती है। इसके भी लो बीम हाई बीम थोड़ा सेट करनी है, हालांकि देखो लो बीम भी इसकी ठीक काम कर रही है। लो बीम में मेरे को बस इतना ही एंगल मिलता है, और पर नीचे से बहुत अच्छे से क्लियर विजिबल रहता है। जब भी मैं गाड़ी ऐसे कहीं से भी निकालता हूँ तो मुझे पूरी रोड अच्छे से विजिबल होती है, जैसे कि अभी भी आप चेक कर सकते हो, अच्छे से मुझे सब दिख रहा है। प्लस हाईवे के लिए भी ठीक लाइट्स हैं, सामने जिसका थ्रो जा रहा है काफ़ी ठीक जा रहा है। अभी असल में ना ये रोड यहाँ से नीचे को गई है, तो इसलिए शायद से लाइट वैसे ना बढ़ पाए, पर हाँ थ्रो वाइज काफ़ी ठीक रिस्पॉन्स है इसका। अभी लो बीम पर भी अगर मैं करूँगा इसको, तो मुझे यहाँ से रोड साफ दिख रही है, और ये हाई बीम है हमारे। तो ये आप रिस्पांस चेक कर सकते हो हमारी HIDs का।